check the mic and make sure it sound right, boys. सो अभी आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, राफ्टिंग करके हम आए हैं और अभी हम सफ़र शुरू कर रहे हैं घर के लिए। और जो सबसे पहले हमें अपना जो टारगेट है वो है मेरठ, बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया है कि हम फेमस यूट्यूबर से मिलना चाहते हैं। वो कौन है, कैसे मिलते हैं, वो आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो फिलहाल ऋषिकेश से मेरठ का सफ़र शुरू करते हैं। सो गंगा मैया की जय। तो गूगल ने हमें थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया है। ये नीलकंठ वाला बाईपास है जो हमें ऋषिकेश के बाहर जाके निकालेगा हरिद्वार की तरफ। सो अच्छा है बिकॉज हम ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे और हमारे राइट साइड में यहाँ पे गंगा जी हैं। सो रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक्स टू गूगल, बिकॉज ये रास्ते हमें तो पता नहीं थे, तो गूगल ही लेके हमें जा रहा है। सो देखते हैं गूगल के भरोसे कहाँ निकलते हैं। सो एक पॉइंट पर रुके हैं और यहाँ से पूरा ऋषिकेश इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। बीच में गंगा जी हैं, सामने राम झूला है और दोनों तरफ घाट्स बने हुए हैं और पूरा टॉप व्यू मिल रहा है यहाँ से। सामने माउंटेन्स हैं। सो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली थी बिकॉज ये मोमेंट कैप्चर करना ज़रूरी है, आपको दिखाना ज़रूरी है। सो थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ। सो गूगल ने हमें काफ़ी सही रूट दिखाया और हम सीधा हरिद्वार पहुंच गए, मतलब बिना किसी ट्रैफिक से, मतलब बिना किसी ट्रैफिक के इतने सीनिक रूट को एंजॉय करते हुए मतलब हमें हरिद्वार भी पूरा क्रॉस करा दिया है। सो थैंक्स टू गूगल, वरना हमने तो ये रोड कभी देखा नहीं था, ना ही शायद देख पाते। सो जब भी आप अगर शिवपुरी जा रहे हैं या शिवपुरी से आ रहे हैं तो आप गूगल मैप की हेल्प लें। सो आपको ये चीला डैम वाला रास्ता दिखा सकता है। सो काफ़ी ट्रैफिक बच गया हमारा बिकॉज हरिद्वार और ऋषिकेश पूरा पैक रहता है वरना। सो या बाकी अब देखते हैं, यहाँ से जो मेरठ का डिस्टेंस है वो अभी 2 घंटे का दिखा रहा है। सो मेरठ पहुँचते हैं और जो व्लॉगर्स हैं उनसे मिलते हैं, बिकॉज उनको भी हमने टाइम दिया हुआ था लेकिन थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। सो या आप देखते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। सो अभी एक ब्रेक लिया है गन्ने के जूस के लिए बिकॉज भूख तो लग नहीं रही, कुछ खाया है नहीं हमने, पता नहीं क्यों आज भूख ही नहीं लग रही, सारी भूख राफ्टिंग से मिट गई है। सो थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं गर्मी में। तुम तो सो ही रही हो जब से आई हो, है नींद पूरी कर रही हो। सो अभी टाइम हो रहा है कितना, 3:50 और अभी मेरठ का डिस्टेंस यहाँ से 115 किलोमीटर है। हम 5:30-6 बजे तक पहुँचेंगे और जिन यूट्यूबर से हम मिलने वाले हैं उनका नाम है देवेश सिंह और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है DV व्लॉग्स। मेरठ में रहते हैं और लकीली मेरे गांव के पड़ोसी हैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था जब वो अपने मामा जी के घर गए थे तो उन्होंने वो चीज़ वहाँ बताई थी, तो एक कनेक्शन सा उस दिन से बन गया और तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत ही अच्छे ट्रैवल व्लॉगर हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं, स्पीति वगैरह, लद्दाख वगैरह, अभी रिसेंटली वो भी ऋषिकेश आए थे। तो जिस चीज़ को आप कभी फॉलो करते हो, कभी उनसे मिलने का अगर मौका मिल जाए तो सच में एक प्राउड वाली चीज़ होती है, मज़ा आता है। सो मैं और मोना दोनों ही टच में थे बिकॉज जो देवेश भैया की वाइफ है सिमरन भाभी, वो भी, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी व्लॉग बनाते हैं। सो हम दोनों ही उनके फ़ैन हैं, मोना सिमरन भाभी को काफ़ी फॉलो करती है, मैं देवेश भैया को काफ़ी फॉलो करता हूँ। सो या आज उनसे मिलेंगे, सो उनके घर पे ही जा रहे हैं, आई थिंक उन्होंने लोकेशन जो भेजी है, और ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि एक व्लॉगर आपको अपने घर पर इन्वाइट कर रहा है, आपको एक मैसेज पढ़ के बुला रहे हैं। सो या देखते हैं कैसी मीटिंग रहती है और क्या क्या बातें होती हैं आज। सो अभी टाइम हो गया है 5:45 और हम लोग मेरठ एंटर कर गए हैं और यहाँ से देवेश भाई की जो लोकेशन है वो 14 किलोमीटर है। सो बस हम 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, फ़ोन पे मेरी बात होगी, सो वो हमारा वेट कर रहे हैं। सो चलते हैं, मिलते हैं
काफ़ी नर्वसनेस भी हो रही है बिकॉज़ फर्स्ट टाइम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसको हमने सिर्फ वीडियोस में देखा है, फ़ोन में देखा है, टीवी पे देखा है. सो उनसे पहली बार मिलना, उनके साथ बैठना, बातें करना एक अलग एक्सपीरियंस होगा. सो यह एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है. अब तो देखते हैं मतलब घर जाके क्या होता है, कैसे होता है. सबसे बड़ा फैक्टर क्या चीज़ है मतलब एक चैनल के चलने का आपके हिसाब से, है ना? मेन तो वही है. हम लोग ऋषिकेश और मसूरी घूम के आए हैं. भैया की ब्लॉगिंग सामने से चल रही है. दोबारा मुलाकात भी नहीं हुई तो इस पल को कैप्चर कर लिया जाए, वो बेस्ट है ना हमारे लिए. तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है हमें, तो हमने हमारा काफी मन था आप लोगों से मिलने का. और थैंक यू भैया, आप लोग आपने घर पे बुलाया हमें, मतलब ये बहुत बड़ी बात है. जिन लोग रिप्लाई नहीं देते और आपने एज अ फैमिली मेंबर हमें बुलाया तो बहुत खुशी हुई हमें. तो बहुत अच्छा लगा. बाकी हम अपने बेबी को भी लेके आओ कभी. मुझे आंटी जी जो बोलती है ना तो सच में बहुत अच्छा लगा. एक बार आंटी जी बोल के दिखा दो अपनी वाली जो लैंग्वेज आप बोलते हो, मधुर वाली मम्मी कि दोबारा आई हो. छोटे बच्चे समझ जाते हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट. दुनिया में कोई लड़ेगा वो रिश्तेदार, वो पैसे देके गए थे. सो अभी टाइम हो गया है 7:05 और अभी देवेश भाई के यहाँ से हम लोग निकले हैं और एक घंटे से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रुके और इतना टाइम देना, और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि हम किसी यूट्यूबर के घर पे या किसी है ना कि अपने जिसको हम फॉलो करते हैं उसके घर पे आए हैं. बिल्कुल ऐसा लग रहा था घर वाली वाइब्स. आंटी को पहले से देखा हुआ है, भैया भाभी को पहले से देखा हुआ है, तो एक लग रहा था कि कनेक्शन पहले से है और सारी चीज़ें अपने आप, चाहे वो घर हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो रोड हो, चाहे उनकी गाड़ी हो, सारी चीज़ें आपने वीडियोज़ में देखी हैं तो सारी चीज़ें वो दिमाग में एक साथ आ जाती हैं. सो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ यूट्यूब के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में. बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली जिनको आगे शायद हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में. बाकी अगर आप भैया ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतना टाइम दिया इस ज़माने में. मतलब किसी एक अपने सब्सक्राइबर को इतना टाइम देना बहुत बड़ी बात है. सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. बाकी अभी घर के लिए निकल रहे हैं. अब यहाँ से हमारा डिस्टेंस है 175 किलोमीटर, तो 3 घंटे दिखा रहा है गूगल. सो 10 बजे तक पहुँचेंगे. और अभी रियांश की बहुत याद आ रही है बिकॉज 4 दिन हो गए रियांश से दूर. सो अब बस ऐसा लग रहा है कि घर पहुँचें जल्दी से जल्दी और रियांश से मिलें. सो अब ड्राइविंग करते हैं. अब ज़्यादा कुछ है नहीं नाइट में दिखाने के लिए. सो शूटिंग करते हैं बंद और अब आपसे मिलते हैं सीधे एक लास्ट पहुँच के. मम्मी नमस्ते. नंगू कौन आ गया भाई, कौन आ गया? कितना तो आज फाइनली अपने फेवरेट क्रिएटर से उनके घर पे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और देख सकते हो मतलब इस टाइम में हुआ हैप्पी हो रहा है फेस. तो अच्छा लगता है कि तुम किसी को फॉलो करो और फिर उससे मुलाकात हो तो काफ़ी अच्छा लगता है. और उन लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब वो अपने घर पे बुलाएंगे, मुझे ये था शायद कहीं और मिलेंगे, बट उन्होंने घर पर मिलाया, इतने अच्छे से वेलकम किया.
तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही होना चाहिए वैसे भी। कि अगर आप लोगों को इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर मुझे आप पहली बार इस वीडियो में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी फिर किसी नए व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। Check the mic and make sure it sound right, boys.